नमस्कार, आपका मेरे चैनल माँ की रसोई में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बचे हुए चावलों से फिंगर राइस की रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों को बहुत पसंद आती है ये डिश, और आप इसको सुबह में, नाश्ते में, शाम में भी बना सकते हैं, और किसी शादी पार्टी में या कोई फंक्शन में आप जाते हैं तो स्टार्टर के रूप में भी आप इसको बना सकते हैं, और ये बहुत टेस्टी लगता है। चावल ज्यादातर घरों में बच ही जाता है तो कई बार वेस्ट भी होता है। आप उससे बना सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, और कोई बता भी नहीं सकता कि आपने बचे हुए चावलों से बनाया है। ये देखिए कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी बना है, देखिए। तो चलिए आज हम आपको इसकी रेसिपी बताते हैं और उसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम थोड़े थोड़े फिंगर फ्राइज बनाना शुरू करते हैं। इनको बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए हमें ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं है। हमने इसके लिए ये चावल लिए जो कि कल के बचे हुए फ्रिज में रखे थे। हमने 2 बाउल चावल लिए हैं। 1 बाउल हमने ये पोहा लिया है जो कि आसानी से मार्केट में मिल जाता है। ये हमने 4 आलू लिए हैं जो कि 3 मीडियम आलू लिए हैं। हमने 1 चम्मच रिफाइंड लिया है। हमने आप देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप जो भी खाते हैं घी वो आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं। ये हमने चॉप धनिया पत्ती ली है थोड़ी सी, और मसालों में हमने ज्यादा मसाले नहीं लिए हैं। नमक लिया है, अमचूर पाउडर, अजवाइन, मिर्च ली है जो कि हमने चॉप कर लिया है, हींग पाउडर, और ये हमने चिली फ्लेक्स लिया है। अगर आपके ये नहीं है तो आप इसमें रेड मिर्च भी डाल सकते हैं पिसी हुई, ये ऑप्शनल है। तो चलिए अब हम इनको बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। इनको बनाने के लिए हमने सबसे पहले पोहा जार में ले लिया है, इसका हम पाउडर बना लेते हैं। ये देखिए, ये हमने इसका पाउडर बना लिया है। देखिए हमारा पाउडर तैयार हो गया है पोहे का। अब इसी तरह से हम चावल लेते हैं और चावल को भी हम मिक्सी में डाल लेते हैं। और इनका भी हम पेस्ट बना लेते हैं। देखिए ये हमने चावल मिक्सी में कर लिया, ये हमारा बहुत महीन चावल हो गया है, और ये हमने पोहे का भी पाउडर बना लिया है मिक्सी में करके। अब हम इसमें जो हमने चॉप्ड आलू किया है हम वो डाल लेते हैं, धनिया पत्ती डालेंगे, मिर्च जो हमने बिल्कुल चॉप कर लिया है, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से टेस्ट अच्छा आता है, थोड़ा स्पाइसी लगते हैं इसलिए हम चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं, हींग पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक आप स्वाद के अनुसार डालें, और ये हमने अजवाइन ले लिया है। अजवाइन हम इस तरह से बिल्कुल बारीक कर लेते हैं मिसल कर हाथ में, और फिर हम ऐड करते हैं। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, और अजवाइन पेट के लिए भी अच्छी होती है। अब हम इसका अच्छे से मैश कर एक डो लगा लेते हैं। हमारा डो लग गया है। 1% ऐसा भी होता है, चावल अलग अलग क्वालिटी का होता है, फ्रिज में रखा सूख भी जाता है तो डो नहीं लग पाता, तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें ऐसे, और उसकी अच्छे से ऐसे कर करके मथाई कर दें, उससे आपका डो जुड़ जाएगा और अच्छा तैयार होगा। देखिए ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम हाथ पे ऐसे घी लगाते हैं और ऐसे इसकी छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, और इनको हम ऐसे करके ने शेप दे देते हैं।
अब आप इनकी इस तरह से हाथ में लेकर शेप बना लीजिए, इक्वल शेप बनाइए, साइज भी लंबाई भी मोटाई सब इक्वल बना लीजिए। क्योंकि हमने बचे हुए चावलों के बनाए हैं तो इसमें इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, जो आप सूजी के या मैदे के बनाते हैं तो वो इजिली आपके बन जाते हैं, लेकिन चावलों चावल होने की वजह से क्या आपका चावल थोड़ा मोटा होता है तो इनमें थोड़ा टाइम लगता है, पर टेस्ट में ये सूजी से भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से इनकी कुछ शेप बना लिए और इस तरह से आप इन्हें इक्वल शेप दे सकते हैं चकले पर या किसी भी फ्लैट जमाकर रखकर। ये देखिए ये हमारी शेप आ गई है, इसी तरह से आप इन्हें सबको तैयार कर दीजिए। देखिए ये अब हमने सारी अपनी फिंगर फ्राइज बना ली हैं, अब हम इनको इस तरह से एक इक्वल शेप में काट लेते हैं। इसी तरह से हम और भी काट लेते हैं। देखिए हमने सारी बनाकर तैयार कर ली है और हम इन सबको इक्वल शेप दे देते हैं। अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं। देखिए ये हमने मीडियम फ्लेम पर अपनी तल ली है सारी, हम इनको डीप फ्राई कर देते हैं और ब्राउन होने तक इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि ये चावल की है तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ये खाने में सूजी से भी अच्छा लगता है। इनको अभी ना चलाएं जब तक ये सफाई ना हो जाए, थोड़ी ही देर टूटने का डर लगता है, टूट सकती है ज्यादा चलाएंगे तो। आप देखिए अब हमारी सब तैयार हो गई है, अब हम इन्हें उतार देते हैं प्लेट में रख देते हैं और इस तरह से अब हमने सारी तैयार कर लिया है। देखिए ये हमारे फिंगर फ्राइज तैयार हो गए हैं राइस के, जो कि बचा हुआ राइस था कितना बढ़िया बना है। देखिए आपको आवाज से ही पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी बना है ये, हम आपको और भी दिखाते हैं, ये सारे ही हमारे इसी तरह के बने और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, सूजी से भी अच्छा लगता है। और देखिए इसको तोड़ते रहते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अंदर से फूल भी गया है और अंदर से देखिए खाली भी, ये बहुत अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए एक बार, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल